बढ़ते प्रदूषण के बीच सांस के मरीजों की दिक्कतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर डीके वर्मा जी हैं जो बताएंगे। और सर, लगातार प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, सांस के मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, क्या प्रिकॉशन लेने होंगे? मरीजों को बेसिकली जहाँ धूल धुआं ज़्यादा या जहाँ पे आबादी ज़्यादा है और प्रदूषण की समस्या फैक्ट्रीज लगी हुई हैं या व्हीकुलर पॉल्यूशन है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। सवेरे और शाम को कतई इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। टहलने का जहाँ तक वक्त है वो भी उनको जब सूरज थोड़ा सा आ जाए उसके बाद टहलना चाहिए। सर, कोविड के बाद लगातार जो सांस के मरीज हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद प्रदूषण आ गया, क्या लगता है सर क्या दिक्कतें हो रही हैं मरीजों की और मरीज किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? कोविड के मरीजों के बाद ज़्यादातर फेफड़ों में संक्रमण होता था, इसलिए उनके फेफड़ों में थोड़ा सा वीकनेस हो गई है तो पूरा फंक्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस समस्या में जबकि प्रदूषण ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो कोविड के मरीजों की थोड़ा समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है कि उनको खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा बलगम भी बढ़ना है। लेकिन कोविड की एज सच इस समय समस्या नहीं है और बाकी चीज़ें हो रही हैं। सर, अगर बात करें लखनऊ वासियों को, तो उनको भी खुद से एक इनिशिएटिव लेना होगा वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, क्या कुछ इनिशिएटिव उनको अपनी तरफ से लेना होगा? उनको जैसे कि ऐसी कोई कार्य ना करें जिससे कि हवा में धुआं या गर्दा या धूल ज़्यादा मात्रा में आए, उस चीज़ को किसी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए। फैक्ट्रीज वगैरह में है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर कवर करके रखना चाहिए, पानी का स्प्रे कर देना चाहिए जिससे डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाए। सर, एक छोटा सवाल और पूछना चाहूँगा, लगातार जो प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो सांस के मरीज हैं उनको दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं और एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे लखनऊ वासियों? जो भी सांस के मरीज हैं और डॉक्टरों के द्वारा दवाई दी जा रही है उनको नियमित सेवन करें, साथ में सवेरे शाम भाप भी लें और बहुत ठंडे वातावरण में जाने से परहेज करें और हमेशा मास्क लगा के रहें। तो ये थे डॉक्टर डीके वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मास्क को अभी भी नहीं भूलना है, अगर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो मास्क नियमित रूप से लोग लगाते रहें और जो सांस के मरीज हैं उनको नियमित रूप से दवाई लेनी भी जरूरी है। रिजेंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेली, साइडर लखनऊ।